हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। 6 दशक से लंबा राजनीतिक जीवन, वो अपना हो या पराया, पक्ष का या विपक्ष का, सचमुच उन्होंने किसी से द्वेष नहीं ठाना, लेकिन अपने निश्चय और मार्ग पर अटल रहते हुए कभी हार भी नहीं मानी। इतने और ऐसे ही अटल थे अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की दलदल में शुचिता का कमल खिलाकर भारतीय राजनीति को एक शुचिता प्रदान करने वाले जन जन के अटल जी चले गए, काल के कपाल पर अपनी इबारत छोड़कर चले गए। उनकी अपरिमित उपलब्धियों और राजनीतिक थाती पर गर्वान्वित भारत का जन जन आज उदास है और व्यथित है, अपनी अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हुए उन्हें स्मरण कर रहा है। कि मेरे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जब याद आती है तो पता नहीं कितनी बातें, कितने सिनेरियोज आंखों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। कि ऐसा दूरदृष्टा, इतना गरीबों के हित चिंतक, राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र रक्षक, उनकी क्या क्या हम बातें बताएं। उनमें इतने गुण थे कि उनका अगर गुण गान करने बैठेंगे तो पता नहीं कितना समय बीत जाएगा। तो इसीलिए इतना ये हृदय विदारक, हृदय को दुख देने वाली जो मैंने न्यूज़ सुनी, उसके बाद बिल्कुल मुझे आराम नहीं है। हमारे वाजपेयी जी, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, उन्होंने पाकिस्तान से शांति के लिए लाहौर बस चलाई और वहाँ में उनके समझौता करके और दोनों देशों के बीच में रिलेशंस, संबंधों को बहुत अच्छा कर दिया था। ऐसी बातें जो हैं वो हमें याद दिला के उनके लिए नतमस्तक कर देती हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में निवास देते हैं। वो खाली बीजेपी के नेता नहीं थे, वो विश्वव्यापी नेता थे। बीजेपी में ऐसे नेता ना कभी हुए हैं, ना होंगे, ना मिलेंगे। इस सदी में तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे नेता वापस आ सकते हैं। उनमें क्या विशेषताएं थी, वो सद्भावना के विचार वाले थे, सहनशीलता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, मित्रता के वे पुजारी थे और देश में एकता लाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। केवल देश में ही नहीं, वो विश्व में भी जहाँ भी सम्मेलन हो, कहीं कोई बड़ी बात हो, तो वो उनको अपने सुलझाने में वो कोई कदम पीछे नहीं हटते थे, वो हमेशा आगे रहते थे और लोगों को समझौते से, अपना मनमुटाव से उनका दुख दूर करने की कोशिश करते थे। भारतीय जनता पार्टी के एक शून्य से शिखर तक पहुंचाने में उनका एक अद्वितीय अमूल्य योगदान रहा। मैं उनकी हिम्मत का, उनके योगदान का, उनके राष्ट्रप्रेम का, उनके राष्ट्रधर्म का, उनकी वाक्ष ओजस्वी वाणी का, उनकी बोलने की कला का, धारा प्रवाह हिंदी में बात करना, बात करते करते पॉज लेना, हम सोचते ही रहते थे कि पॉज के बाद कौन सा शब्द बोलेंगे, कुछ भी बोलना, उसके बाद लोगों को अपने साथ जोड़ लेना, ऐसा विलक्षण ओजस्वी वक्ता मैंने जीवन में न देखा है, न सुना है, न मुझे उम्मीद है कि आगे देखने को मिलेगा। इतने अच्छे कवि और इतनी अच्छी उनकी रेपुटेशन रही है कि ऑपोजिशन वाले भी उनसे इम्प्रेस थे बहुत ज़्यादा। तो हमें काफ़ी दुख है इनका जाने का। तो उनके उसमें उपलक्ष्य में मैं 2 लाइनें सिर्फ गाना चाहती हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। आज के समय के सबसे बड़े नेता
आज देश के आज़ाद होने के बाद, महात्मा गांधी के बाद, अगर हम किसी भी नेता को इतना प्यार दे सकते थे तो वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारे बीच में नहीं रहा। हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अटल बिहारी वाजपेयी इस युग के राजनेता हैं। अब उन्होंने अपने समय से जो काम किया वो देश कभी नहीं भूल सकता, और इस कार्य के लिए उन्हें संसद में सबसे वरिष्ठ, सबसे अच्छे सांसद भी माना गया था। देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उन नीतियों को आगे बढ़ाए। अटल जैसा प्राइम मिनिस्टर कोई आ ही नहीं सकता, जिन्होंने गरीब बच्चों की एडुकेशन के लिए लोन पास करके बच्चों को आज इंजीनियर डॉक्टर बनाया। वो एक ऐसे नेता थे जिनका विपक्ष भी तारीफ करते थकता नहीं था। उन्होंने जब उन्होंने देश की सत्ता संभाली, देश बड़े कठिन दौरों से गुजर रहा था, देश में अंदरूनी हालत ठीक नहीं थे, बाहर की ताकतें हमें परेशान कर रही थी, पर ये उनकी क्षमता थी कि उन्होंने बिना किसी को बताए, बिना दुनिया में किसी को पता चलने दिए, पोखरण में परमाणु परीक्षण करा, जिससे सारा देश, सारी दुनिया आज इसको शक्ति मानती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत अच्छे कवि भी रहे और उन्होंने नेतृत्व बहुत अच्छा संभाला। हमारे देश में उन जैसा व्यक्तित्व आज तक शायद ही हो पाएगा। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। उन जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगमन हुआ और उनकी जो स्पीचेस थी, उनकी राष्ट्रवादी और जनहित की बातें सुन के फिर हमें लगता था कि ये नहीं, इस ये जो देश है वो इसको कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हमारे साथ ऐसे ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हैं तो वो इस देश की रक्षा और इस देश का हित, इस देश का डेवलपमेंट, विकास वो करते रहेंगे, उसको कोई भी उसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और बराबर ऐसे ही हुआ। बाद में जब ये राष्ट्र मंच पे आए और प्रधानमंत्री जी बने तो सभी ने देखा कि उन्होंने कितना देश के लिए हितकारी, गरीबों के लिए भलाई के और देश के विकास के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को ऊंचा स्थान दिलाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, उन्होंने जो कार्य किया है, उस पर हर एक भारतवासी फख्र ले सकता है। वो एक शायरी लिखते थे हमेशा और बहुत हमें अच्छी लगती थी उनकी। वी लॉस्ट ट्रू लीडर ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री करेस्पॉन्डेंट होने के कारण मेरा बाकी टाइम जो है रेडियो के बाद, ऑल इंडिया रेडियो के बाद पार्लियामेंट हाउस में ही मेरा समय गुजरता था और उनको देखने के बहुत सारे मौके मिले, क्योंकि सेंट्रल हॉल में तो सारे नेता जो हैं फ्री होते हैं और दिल की बातें बताते हैं, वहाँ कोई पार्टियों का फ़र्क नहीं रहता। सिंधी जाति के लिए सबसे बड़ी बात जो हमेशा के लिए याद की जाएगी वो यह कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी सिंधी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाई। जय हिंद। आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहर में अंधियारा, सूरज पर छाए सहारा, भरी दोपहर में अंधियारा, सूरज पर छाए सहारा, अंतर तक